दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा होता है, कुछ बुरा घटता है, तो वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। फिर चाहे वह व्यक्ति कितना भी समझदार क्यों ना हो, वह चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, किंतु जब वह व्यक्ति खुद ही ऐसे बुरे हालात से गुजरता है, तो उसे सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। वह बहुत कोशिश करता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसके चाहने से कुछ भी नहीं हो पाता। वह व्यक्ति उस दौरान यह भी सोचता है कि यदि कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो भी ठीक है, कम से कम इससे बुरा तो ना हो। उसे तो बस अपनी पिछली जिंदगी चाहिए, जिस जिंदगी में वो बहुत खुश था और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। वह वापस उसी जीवन में लौट जाना चाहता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कोई भी अपने जीवन में वापस नहीं लौट सकता। वह भूतकाल में हुई उन घटनाओं को वापस बदल नहीं सकता। हाँ, वह चाहे तो अपने भविष्य को जरूर बदल सकता है, लेकिन जिस बुरे दौर में वह व्यक्ति इस समय फंसा हुआ है, उसे तो अपने भविष्य की चिंता है ही नहीं। वह तो केवल उन चीजों को वापस पाना चाहता है जिनसे वो अभी अभी गुजर कर आगे बढ़ा है, अर्थात वो अपने जीवन में बीती हुई उन घटनाओं को वापस से जीना चाहता है, उन खुशी के पलों को वापस चाहता है, लेकिन वह उन्हें वापस पा नहीं सकता। वह तो जीवन के एक ऐसे बुरे दौर में फंस चुका है जहां वो जो कुछ भी करता है सब कुछ उल्टा ही हो जाता है, सब कुछ उसके विपरीत ही जाता है। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है, तब आप यदि गलती से भी कोई गलत कार्य भी कर दें, तो वह भी आपके लिए लाभदायक हो जाता है। और वहीं पर यदि आपका समय बुरा चल रहा हो, परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो, तो आप सोच समझ कर चाहे जितना भी अच्छा कार्य क्यों ना कर लें, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता, बल्कि वह कार्य भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसका फल भी हमें बुरा ही मिलता है। ऐसे बुरे दौर में हमारी सारी कोशिशें बेकार और नाकामयाब लगती हैं। हर तरफ से हमारे हाथ केवल निराशा ही लगती है। हर तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, अब तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब अधिकांश लोग अपने आप से ये सवाल जरूर करते हैं, हे ईश्वर, मैंने क्या गलत किया था जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जिस बुरे दौर में, जिस बुरी परिस्थिति में वो फंसे हैं, ऐसे समय पर उन्हें इन सवालों का कोई भी जवाब नजर नहीं आता। क्या कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि अच्छे समय पर बुरा भी अच्छा हो जाता है और बुरे समय पर अच्छा भी बुरा हो जाता है? क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया है? क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है? एक बात जो हम में से अधिकांश लोग समझते हैं कि जब तक हमारे पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, तब तक हर चीज हमारे पास खींची चली आती है, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। और वहीं पर जब हम आर्थिक रूप से कमजोर होने लगते हैं, हमारा सब कुछ बिखरने लगता है, तो लोग जो हमारे साथ थे वह भी हमें छोड़कर जाने लगते हैं।
इसीलिए ज्यादातर लोग पैसों को ही अपनी खुशियां समझते हैं और इसी कारणवश हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। यदि ऐसा होता कि जिसके पास सबसे अधिक धन है वह कभी भी दुखी नहीं होता, तो आज जितने भी अमीर लोग हैं उनके पास कोई दुख कोई तकलीफ ना मंडराती। किंतु वास्तविकता तो यही है कि जिस प्रकार हम और आप दुखी हैं, जिस प्रकार हमारे जीवन में कष्ट तकलीफें और परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक अमीर व्यक्ति के जीवन में भी तरह तरह की तकलीफें परिस्थितियां और कष्ट उत्पन्न होते ही रहते हैं। जिस प्रकार हम परिस्थितियों से दुखी हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक अमीर व्यक्ति भी परिस्थितियों के आगे दुखी हो ही जाता है। आपको भले ही उनके पास सारे सुख नजर आते हों, लेकिन वह भी एक इंसान है और उनके साथ भी ऐसा ही होता है जैसा कि हमारे साथ होता है। जब उनका अच्छा समय चल रहा होता है तो उनकी भी पूरी से पूरी चीजें लोगों को पसंद आ जाती हैं और वे लोग अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन जब उनका बुरा वक्त चल रहा होता है तो वह चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना कर लें, लेकिन वह लोगों को पसंद नहीं आता और सब कुछ बुरा होता चला जाता है। हमारे अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ऐसे समय पर हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है। क्या आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं? तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये जानते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और इन सब के पीछे का क्या कारण है। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन के बुरे दौर से गुजर रहा था। सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। वह जो भी अच्छा काम करता था सब कुछ गलत हो जाता था। उसके मन में कई सारे सवाल थे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूं तो वह गलत क्यों हो जाता है। यही सारी बातें वह अपने घर पर बैठकर सोच रहा था कि जब भी उसका अच्छा समय होता है तो वह बड़ी से बड़ी गलती भी क्यों ना कर दे, लेकिन उसका लाभ उसे अच्छा ही मिलता है और जब वक्त बुरा चल रहा होता है तो अच्छा कार्य करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि वह कार्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसे नुकसान ही झेलना पड़ता है। छोटी मोटी गलतियां भी बड़ी गलतियां बनकर उसके सामने आ जाती हैं और जब भी मैं कुछ करने जाता हूं तो वह सब कुछ पूरा हो जाता है। मैंने लाख कोशिशें की, लाख प्रयत्न किए, उसके बाद भी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं सुधार हो रहा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जीवन एक बार फिर से खुशहाली से भर जाए, मेरे जीवन में दोबारा खुशियां आ जाए। इन्हीं सारी बातों को लेकर वो बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था, लेकिन उसे कोई भी रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक दरवाजे से आवाज आई, भिक्षाम देही। वह तुरंत ही उस आवाज को सुनकर उन गुरु के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने उन गुरु को भोजन करवाया और उसके बाद वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत तकलीफ में हूं, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है, मैं चाहकर भी कुछ सही नहीं कर पा रहा। मैं तो अपने जीवन में खुशियां चाहता था और उसी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हमेशा दुख ही मिल रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी के लिए बुरा सोचा, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है और वह यह है कि जब अच्छा समय होता है तो मैं
यदि कुछ बुरा भी कर दूं, तो उसका फल मुझे अच्छा ही मिलता है। और बुरे समय में यदि मैं कुछ अच्छा भी करना चाहूं, तब भी वह बुरा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उन गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस युवक से कहते हैं, यह जीवन परिवर्तनशील है, जहां हमेशा सब कुछ बदलता रहता है। जीवन में कभी भी सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने कभी एक छोटे बच्चे को देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुवर, मैंने छोटे बच्चों को देखा है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, वह बच्चा क्या हमेशा एक छोटा बच्चा ही रह जाता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, वह आगे चलकर बड़ा होता है, जवान होता है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वह बूढ़ा होकर मर जाता है। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन कभी एक जगह नहीं ठहरता, यह तो समय की तरह लगातार बदलता रहता है, यह तो परिवर्तनशील है। मान लो यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति तुमसे आकर यह कहे कि मैं पहले की तरह अब काम नहीं कर पाता, जवानी में तो मैं काम करते वक्त कभी नहीं थकता था और जितना चाहे मैं उतना वजन उठा सकता था, लेकिन इस बुढ़ापे में ना तो मैं ज्यादा देर तक काम कर पाता हूं और ना ही अधिक वजन उठा पाता हूं, पता नहीं क्या हो गया है, तो इस बारे में तुम क्या कहोगे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, एक जवान व्यक्ति का शरीर अधिक बलशाली होता है, वह चाहे जितना भी काम क्यों न कर ले, उसकी थकान कुछ समय में खत्म हो ही जाएगी, लेकिन एक बूढ़ा शरीर यदि थोड़ा सा भी काम कर ले तो उसका शरीर थक जाएगा, और इसमें शिकायत करने वाली कोई बात नहीं, यह तो समय के साथ हमारा शरीर कमजोर हो ही जाता है। तभी आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा अगर ये बात है तो मुझे ये बताओ कि जब कोई व्यक्ति जवान हो और वह पूरी तरह से स्वस्थ होता है, तो वह जितना चाहे उतना काम करता है, वह अधिक से अधिक वजन भी उठा लेता है और अपने जरूरत के हिसाब से वह जितनी चाहे भाग दौड़ भी करता है, और शरीर में यदि उस दौरान छोटी मोटी तकलीफें हो भी जाए, छोटा मोटा दर्द उठ भी जाए, तो वह उसे हंसकर सह लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वह व्यक्ति बीमार पड़ता है, तब वही जवान व्यक्ति थोड़ा सा भी वजन लेकर नहीं चल पाता, यहां तक कि वह व्यक्ति अपने शरीर तक का वजन ढंग से नहीं संभाल पाता। यदि उसे उस दौरान चक्कर आ जाए तो वह गिर जाता है, और तो और उस बीमारी में यदि उसे कहीं पर शरीर में कोई तकलीफ हो जाए, कोई दर्द उठ जाए, तो वह उसे भी सहन नहीं कर पाता। और यदि व्यक्ति की हालत अधिक गंभीर हो, वह अधिक बीमार हो, तो उसके मन में केवल एक ही विचार रहता है कि ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? उन गुरु के मुख से ये बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ न कह सका, वह चुपचाप उन गुरु को देखता रह गया। यह देख वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, वह बीमार व्यक्ति आज नहीं तो कल फिर से स्वस्थ हो जाएगा, और जब वह स्वस्थ होगा तो उसके शरीर में फिर से वही शक्ति होगी, फिर से वही ताकत होगी, वह भारी से भारी वजन आसानी से उठा सकेगा और अपने जरूरत के अनुसार वह जितना चाहे उतनी भाग दौड़ भी करेगा, उसमें फिर से वही सहने की क्षमता होगी, फिर चाहे उसके शरीर में छोटा दर्द हो या फिर बड़ा दर्द, वह हंसकर उसे सह ले जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे पूरे जीवन काल में यह कई बार होगा, कई बार
वह व्यक्ति इसी तरह से बीमार पड़ेगा और कई बार वह इसी तरह से स्वस्थ होगा। जब तक हमारा जीवन चल रहा है, ये क्रिया बार बार घटित होती ही रहेगी। तभी आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, और तुम हो कि तुम अपने जीवन में एक छोटी सी परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में आने वाले बदलाव को सह नहीं पा रहे। जीवन के बुरे दौर में एक व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम भी पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं, और ऐसे समय पर छोटे छोटे दुख भी हमें पहाड़ जैसे लगते हैं। अच्छा समय तो हम यूं ही गुजार देते हैं और हमें पता तक नहीं चलता, लेकिन बुरे समय में एक छोटा सा पल भी हमें बहुत लंबा नजर आता है। जब हम जीवन के बुरे दौर से गुजरते हैं तो हमारे मन में केवल एक ही इच्छा होती है, और वह यह होती है कि काश हमें वो पुराना जीवन फिर से मिल जाए, हम एक बार फिर से खुशियों से अपना जीवन बिताएं। और इसके लिए हम रोते हैं, परेशान होते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम वापस अपने उस जिंदगी को दोबारा नहीं जी सकते। यह सुन वह व्यक्ति उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है, किंतु फिर भी क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यदि सब कुछ सही चल रहा हो तो अचानक इस तरह से सब कुछ क्यों बिगड़ जाता है? अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं बहुत खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर में हर कोई सुखी था, फिर अचानक धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ता चला गया। हर परिस्थितियां जैसे हमारा विरोध करने लगी, और अब तो हमारे हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, और ना ही हमने कभी किसी के लिए कुछ बुरा सोचा था, फिर आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? इस पर वह गुरु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। तुम्हारे साथ आज जो कुछ भी घट रहा है, जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने खड़ी हैं, यह तुम्हारे लिए ही है, और इन परिस्थितियों के बादल हटते ही तुम्हारे साथ कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होगा। ये परिस्थितियां तुम्हारे जीवन को बदलने आई हैं, और वह बदलाव तुम्हारी पुरानी स्थिति या पुरानी जिंदगी में नहीं हो सकता था, क्योंकि कुछ बदलाव को आने के लिए तुम्हारे साथ कुछ न कुछ नया घटना आवश्यक है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, आखिर ये विपरीत परिस्थितियां मेरे लाभ के लिए कैसे हो सकती हैं? इन परिस्थितियों में मैं जो कुछ भी अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं, वह तो सब कुछ गलत ही हो जा रहा है, वह तो सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है, फिर आखिर यह मेरे जीवन में अच्छे बदलाव कैसे ला सकती हैं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हमारी इच्छाएं ही इस बदलाव का कारण बनती हैं। जब भी हम सुख के दौर से गुजरते हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें तो और अच्छा चाहिए, और हम अपने उस अच्छे हालात में भी खुश नहीं रहते, और जब ऐसी ही इच्छाएं हमारे मन में प्रवेश कर जाती हैं तो आज जो कुछ भी तुम्हारी स्थिति है उस स्थिति में यह पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी यही इच्छाएं अपने आप को पूरा करने के लिए सब कुछ बिगाड़ने लगती हैं। तब चाहकर भी हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम इसे सही नहीं कर सकते। जब तक कि हम सही दिशा में कोशिश ना करें, यदि तुम अब भी उन पुराने तरीकों से ही चलते रहोगे तो तुम पुराने जीवन में ही फंस कर रह जाओगे।
और तुम्हारा जीवन कभी बदल नहीं पाएगा, सब कुछ बिगड़ता ही रहेगा जब तक कि तुम सही दिशा में काम ना करो। इसलिए हमें हमारी इच्छाओं के बारे में सतर्क होना चाहिए और हमें इच्छाएं बहुत सोच समझ कर ही करनी चाहिए। यदि आप सुख में जी रहे हो तो अपने जीवन को शांति और संतोष से जीना चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा घर है, किंतु आप उस घर से खुश नहीं हैं और आपको और भी बड़ा घर चाहिए, तो क्या वह उस घर में ही निर्मित किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए आपको पहले उस घर को तोड़ना होगा, उसे बर्बाद करना होगा और उसके बाद ही आप अपने लिए और बड़ा घर निर्मित कर पाएंगे। दुख हमें शुद्ध करता है और वहीं पर खुशियां, सुख हमारे दरवाजे पर आती हैं, किंतु सुख हमें दूषित करता है। हमारे मन में लालच, इच्छा, वासना और भी तरह तरह के विकार उत्पन्न करता है और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के कारण हमारे जीवन में एक बार फिर से दुख आता है, ताकि वह हमें एक बार फिर से शुद्ध कर सके। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इस मुश्किल दौर में मैं क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए ताकि मेरा जीवन एक बार फिर से सुखमय हो सके और मैं एक बार फिर से अपने जीवन को खुशहाली तौर पर जी सकूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक जमीन है जो कि बहुत उपजाऊ भी है, लेकिन इस समय ना तो बारिश हो रही है और ना ही पानी का कोई साधन है, और जो भी फसलें उसमें तुमने लगाई हुई हैं, वो सारी फसलें धीरे धीरे करके सूख रही हैं। तो ऐसे में तुम अपनी उन फसलों को बचाने के लिए क्या करोगे? क्या तुम बारिश का इंतजार करोगे? तभी वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, मैं बारिश का इंतजार नहीं कर सकता। यदि मैं बारिश का इंतजार करूंगा तो मेरी सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। मैं कहीं से भी पानी का इंतजाम करूंगा जिससे मेरा खेत एक बार फिर से हरा भरा हो सके, मेरी फसलें अच्छी तरह से तैयार हो सके। तभी आगे वह गुरुवर कहते हैं, और मान लो कि जिस पानी को तुम लाना चाहते हो वह तुम एक नदी से ही ला सकते हो और वह नदी तुमसे मीलों दूर है, तब तुम क्या करोगे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, यदि मुझे फसल को बचाना है, यदि मुझे अपनी फसल को तैयार करना है, तो मुझे उस नदी के पानी को अपने खेतों तक लाना ही होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे जमीन क्यों ना खोदनी पड़े और उसके लिए मुझे एक रास्ता ही क्यों ना तैयार करना पड़ जाए। यदि मुझे अपनी फसलों को बचाना है तो मुझे तो ये करना ही होगा, अन्यथा मेरी सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी और मेरी हालत और भी बदतर हो जाएगी। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बस तुम्हें इतना ही तो करना है, तुम्हें अपना कर्म करते जाना है, इंतजार नहीं करना। हो सकता है शुरू शुरू में जब तुम अपना कर्म करो तो तुमको अपना फल मिलता हुआ नजर ना आए, लेकिन हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए यदि तुम सही दिशा में मेहनत करोगे, अर्थात यदि उस नदी के पानी को लाने के लिए तुम सही तरीके से जमीन खोदोगे, सही तरह से रास्ता बनाओगे, तो तुम अवश्य ही अपने खेतों तक पानी ला सकोगे। और यदि तुम केवल इस चिंता में बैठे रहोगे कि उस नदी का पानी मेरे खेतों तक कैसे आएगा, तब तो तुम अपने खेतों को कभी नहीं बचा पाओगे, ना तो तुम्हारी फसल रहेगी और ना ही तुम्हारे हालात कभी सुधर पाएंगे। इसलिए अपने कर्मों को करते रहो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वह व्यक्ति भी उन गुरु की सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था, और वह व्यक्ति अपने दुखों पर बैठने और चिंता करने की बजाय उसने अपने कर्म करने शुरू किए।
वह अपने कामों को मन लगाकर करने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे सुधरने लगा। सारी खुशियां एक बार फिर से उसके दरवाजे पर वापस आने लगी। दोस्तों, हम भी अपने बुरे दौर में कुछ इस कदर से टूट जाते हैं कि हमें लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ बुरा ही होने वाला है, अब मैं चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लूं, लेकिन अब कुछ भी नहीं सुधरेगा, ना तो कोई हमारे साथ है और ना ही कोई हमारी मदद करेगा। तो ऐसे समय पर आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म आपका है और आपको ही करना होगा, इसलिए दूसरों की मदद के बजाय आप खुद की मदद करें। बुरा दौर तो आता है और चला जाता है। बुरा दौर यह चाहता है कि आप अपने अंदर वो बदलाव लाएं ताकि आपके जीवन में भी और खुशियां आ सकें। इसलिए जितनी जल्दी आप उस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, जितनी जल्दी आप उस बदलाव को अपना लेते हैं, अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी वह बुरा दौर गुजर जाएगा। किंतु यदि आप कुछ भी नहीं करते तब भी वह बुरा दौर चला ही जाएगा। लेकिन यह तो बारिश होने के इंतजार करने जैसा है। बारिश होगी या नहीं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और इस प्रकार से आप अपना सारा जीवन दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं और फिर वो जैसा चाहें आपको नचा सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का वह बुरा दौर हंसते खेलते गुजर जाए, तो आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी ताकि आप अपने जीवन को अपने अनुसार चला सकें और अपने जीवन में एक बार फिर से वह खुशियों का दौर ला सकें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।